जो समझ में आता है वो रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिस भी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है, अभी अभी ज्वाइन किया, सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता था, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि था सातवां चैप्टर, और आज इसकी लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो जो मैंने अभी रिवाइज भी किया था, पिछली क्लास में हमने SSS प्रतिबंध पढ़ा था और SAS प्रतिबंध पढ़ा था। हम क्या पढ़ रहे थे? हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हमने सर्वांग समता के दो नियम पढ़ लिए थे। कौन कौन से? SSS प्रतिबंध, यानी कि भुजा 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 प्रतिबंध, और दूसरा है भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। हाँ जी, सभी का एकदम सही आंसर है, सभी ने कमेंट में एकदम सही आंसर दिया है, ठीक है। अच्छा, सभी का सही है ना, तो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा जो कि सभी को सही करना है, ठीक है। चूंकि मैंने पूरा का पूरा अभी दोबारा से समझा दिया है, अभी क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? इसमें हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है, और हमें क्या बताना है कि दोनों त्रिभुजों में यह दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू सर्वांगसम है। यहां ध्यान रखना, नाम में नाम इंपॉर्टेंट है। पहला है एबीसी, दूसरा है पीआरक्यू, ये दोनों सर्वांगसम है, तो हमें बीसी की लंबाई बतानी है। आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम उनकी भुजाओं की तुलना कैसे करते हैं, मतलब कौन कौन सी भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो हमें पता है। देखो कि यदि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब वो बराबर होती कैसे है, उसके नियम हमने पिछली क्लास में भी पढ़े थे और उससे पिछली क्लास में भी पढ़े थे। अगर आप उन नियमों को लगाएंगे तो ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे इसका आंसर एक ही बार में सही करेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत ही सरल सवाल है ये जी, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करेंगे, जैसा कि हम हर क्लास में करते आए हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, शाबाश, ज्यादातर का आंसर सही भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे सरल है, इसको जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी सभी ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी ने इसका आंसर नहीं किया है। अच्छा, अब ना टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, 20 सेकंड वेट करते हैं, 20 सेकंड वेट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड बचे हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, केवल 20 सेकंड बचे हैं आपके पास, 15 सेकंड बचे हैं बस, अभी अभी बस आपके पास 15 सेकंड है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट याद होगा जो अभी अभी हमने पढ़ा है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 10 सेकंड बचे हैं बस आपके पास, ओनली 10 सेकंड्स, जल्दी से सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड्स बचे हैं। अभी एक या दो बच्चे और बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी से, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चों ने ना इसका आंसर सही किया है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसमें ना हमें सर्वांग समता तो चेक ही नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये तो दे ही रखा है ना, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू, ये सर्वांगसम है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इसका मतलब हमें इसमें सर्वांगसमता तो चेक ही नहीं करनी, ये तो इसमें दिया हुआ है कि दोनों सर्वांगसम है। अच्छा, अगर ये दिया हुआ है तो हमें किसकी लंबाई बतानी है? बीसी की। अब बस हमें ये देखना है कि बीसी भुजा कौन सी भुजा के संगत होगी, ठीक है। तो वो हम कैसे देखेंगे? अगर मैं इसके नाम में देखूं तो बीसी लास्ट के दो अक्षरों से बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज के भी लास्ट के दो अक्षरों से क्या बनेगा? आर क्यू या क्यू आर। तो जो बीसी है वो क्यू आर के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, और अगर सर्वांगसम है तो ये बीसी क्यू आर के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब हमें बीसी क्यू आर, क्यू आर इसमें तो हमें पता है कि क्यू आर 5 है। अच्छा, क्यू आर 5 है तो क्यू आर की जगह आप 5 लिख दो, 5 सेंटीमीटर, तो फिर बीसी तो अपने आप आ गया ना, अगर आपको क्यू आर पता है तो बीसी आ गया यहां से 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, कमेंट में काफी बच्चों ने आंसर सही भी किया है, ठीक है। ये सभी के समझ में आया क्या? ये तो क्योंकि बहुत ही आसान था, ऑप्शन ए इसका सही है।
जल्दी से कमेंट में बताइए, फिर हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे? बहुत बढ़िया, ठीक है, मतलब सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमने क्या त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के दो नियम पढ़ लिए थे, एस 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 नियम, एस 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 नियम और एस ए एस नियम। ठीक है, अब तीसरा होता है ए एस ए नियम या ए एस ए प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है? ए का मतलब एंगल होता है, मतलब कोण, भुजा कोण। ठीक है, कोण भुजा कोण, हाँ जी, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, कोण भुजा कोण प्रतिबंध। अच्छा, इसमें भी अगर आपको पिछले समझ में आए ना तो ये तो बहुत ही आसान लगेगा। कैसे? क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं कि यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो और दूसरा कोण भी बराबर हो, ठीक है, तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। अच्छा, यहां से ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे नाम में पढ़ लिख रहा है कि दो कोण हैं और उनके बीच में भुजा है, मतलब जो दोनों कोणों के बीच की भुजा होगी ना वो बराबर होनी चाहिए। दो कोण तो बराबर होने ही चाहिए, ये वाला और ये वाला, दो त्रिभुजों में दो कोण तो बराबर होने ही चाहिए, लेकिन जो उनके बीच की भुजा है, ध्यान रखना है यहां दोनों कोणों के बीच वाली भुजा है, इसीलिए इसका नाम ए एस ए है। ठीक है, क्योंकि भुजा बीच में आनी चाहिए, तो उनकी जो बीच की भुजा है वो बराबर होनी चाहिए, तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा भी समझ लेते हैं कि भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, सॉरी कोण भुजा कोण प्रतिबंध क्या होता है। तो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, जैसे हम दिख रहे हैं दो कोण और उनके बीच की भुजा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भुजा है वो उनके बीच की भुजा होनी चाहिए। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा सेम किसी दूसरे त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोण और उनके जो बीच की भुजा है उसके बराबर होगी तो वो दोनों सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अच्छा ये समझ लिया ना। अभी हो सकता है काफी बच्चों के इस परिभाषा से समझ में नहीं आया हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि परिभाषा आपको कभी याद नहीं रखनी होती, मतलब ऐसे लिखनी नहीं होती, बस आपके दिमाग में आनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, लिखनी कभी नहीं होगी आपको, ये डायरेक्ट यूज करना होगा। कैसे? अभी हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है कि हमें ये चेक करना है कि क्या त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर सर्वांगसम है। क्या ये पीक्यूआर, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्या? चलिए चेक कर लेते हैं। हमें क्या चेक करना था कि कोई भी दो कोण, तो एक तो ये वाला कोण है, ये बराबर है आपस में x डिग्री x डिग्री, दूसरा y डिग्री बराबर है। अब तीसरी क्या है? तीसरी जो इनके बीच की भुजा है, अब दोनों कोणों के बीच की भुजा तो यही होगी ना दोनों में, अगर ये बराबर है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। अच्छा, अभी आपको ये लगेगा कि सर अगर ऐसा ना होता, इसको मैं पूरे को अरेंज करके ये बोलूं कि ये मान लो ये ए नहीं होता, ठीक है, एक तो ये ए होता और एक ये ए होता, तो क्या उस केस में ये दोनों सर्वांगसम होते? नहीं, उस केस में ये सर्वांगसम नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो भुजा है वो इन दोनों के बीच वाली होनी चाहिए थी, ये वाली भुजा होनी चाहिए थी, तभी सर्वांगसम होते। अगर इनके बीच की भुजा नहीं है, क्योंकि ये वाली जो भुजा है वो इनके बीच की नहीं है, ये वाली जो भुजा है इन दोनों कोणों के बीच की नहीं है ना, अगर ये बराबर भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रामदेवी जी आपने बोला है एक्सप्लेन, मतलब क्या करना है मुझे? आप दोबारा से, हाँ मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं क्या? समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो हम एक बार और समझ लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों की हमें तुलना करनी है, यदि दोनों त्रिभुजों में दो तो कोण बराबर हो आपस में और तीसरी जो भुजा है ना वो उन दोनों कोणों के बीच वाली होनी चाहिए, वो बराबर होगी, तो हम ये कहेंगे कि वो सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा इसको इसी उदाहरण से फिर से समझ लेते हैं कि इसमें एक तो ये x डिग्री है और ये x डिग्री है, ये बराबर है, ठीक है, ये y डिग्री है, ये y डिग्री है, मतलब दो तो कोण बराबर है, ये तो हमें क्लियरली दिख गया, और जो इनके बीच की भुजा कौन सी इन दोनों की, ये वाली होगी ना, इनके बीच की भुजा ये वाली, इधर से ये वाली होगी। अगर ये भी बराबर है, जो कि ये ए है ये ए है, मतलब दोनों ही बराबर हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो ए बी सी है वो सर्वांगसम होगा पी क्यू आर के। ठीक है, अच्छा ये तो हमने कह दिया,
ये तो हमने कह दिया, ये तो बहुत ही आसान है कि ये ऐसे होता है, सर्वांगसम कैसे होते हैं, इनके बीच की भुजा अगर बराबर हो दोनों कोणों के साथ तो ये सर्वांगसम होंगे। अब ये सर्वांगसम कब नहीं होंगे वो मैं बता रहा था, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। सर्वांगसम कब नहीं होंगे कि अच्छा किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है क्या? हाँ खुशबू के ने हैंड रेज किया है, खुशबू बावल। ये एंगल पी पे होगा तो ये क्या ये एंगल साइड एंगल होंगे? एक मिनट एक मिनट, कौन सा एंगल इनमें से, एक्स या वाई? सर एक्स है जो एंगल है वो जो पी पे होगा तो ये मान लो एक्स इसको मैं एंगल। हटा देता हूँ, आप ये कह रहे हो इसको मैंने हटा दिया, ये यहाँ नहीं है और ये यहाँ है एक्स डिग्री। ठीक है ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। खुशबू ने क्या डाउट पूछा? अच्छा मुझे नहीं पता, आपने खुशबू के नाम से आईडी इसलिए मैं खुशबू ही नाम ले रहा हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ खुशबू, खुशबू बावल के नाम से जो बच्चा, उन्होंने क्या डाउट पूछा है कि सर अगर ये तो सेम ही है इसमें कोई अंतर नहीं है, और इधर यदि ये वाला कोण एक्स डिग्री हो जाए ये वाला वाई डिग्री हो जाए तो क्या ये सर्वांगसम होंगे? चलिए चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार देखने से तो पता नहीं चलता, क्वेश्चन हमें चेक ही करना है। एक्स डिग्री है ये, एक्स डिग्री है मतलब ये कोण तो बराबर है, ये वाई डिग्री है, ये वाई डिग्री है, मतलब दो कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब तीसरा क्या है, उनके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। अब इनके बीच की भुजा तो ये है, बीच वाली भुजा ए। ठीक है, लेकिन इस केस में एक्स और वाई के बीच की मतलब दोनों कोणों के बीच की भुजा ये हो गई, और जिसका मान हमें पता ही नहीं है, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। आया समझ में? ये यस दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। हाँ अभी किसी और बच्चे ने भी डाउट पूछा है क्या अभी? हाँ इस तरह के क्वेश्चंस पूछा करो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि सर अगर ये वाला एक्स डिग्री ना होके ये वाला एक्स डिग्री होता तो क्या ये दोनों सर्वांगसम होते? बिल्कुल नहीं होते। वो हमने देख लिया क्यों नहीं होते, क्योंकि कोण तो बराबर है, कोण तो बराबर है ये तो हमने देख लिया, लेकिन जो भुजा बराबर होनी चाहिए थी वो इनके बीच की होनी चाहिए थी। अब पहले त्रिभुज में जो बीच की भुजा है वो बी सी है और ये ए है। ठीक है, और दूसरे त्रिभुज में जो दोनों कोणों के बीच की भुजा है वो पी आर है, और पी आर को तो हमें पता ही नहीं कि पी आर क्या है। अगर पी आर, हाँ अगर पी आर भी हमें ए दे के रखता और ये एक्स दे के रखता तो हम कह सकते थे कि तब ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होते। ठीक है, अभी एक बच्चे ने ना, हाँ राम देवी के नाम से जो बच्चा है, आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया? हाँ आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इसको जल्दी से एक बार और नंबर्स लेके, मतलब अभी तक तो एबीसी ले रखा था ना, अब हम फिक्स नंबर लेके देख लेते हैं कि मान लो ये वाला कोण इसमें एबीसी में 45 डिग्री है तो त्रिभुज पीक्यूआर में ये वाला भी 45 है। ठीक है, मतलब एक कोण बराबर हो गया, कौन सा कि ये वाला एबीसी बराबर है पीक्यूआर के। ठीक है, और दूसरी क्या है, दूसरा है ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण बराबर है, मतलब ये वाला कोण भी बराबर हो गया। ठीक है, अब जो इनके बीच की भुजा है, पहले त्रिभुज में भुजा बीच की कौन सी है, बीसी, और दूसरे त्रिभुज में दोनों कोणों के बीच की भुजा कौन सी है, क्यू आर, और ये दोनों भी बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमें 3 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ए एस ए प्रतिबंध, मतलब कोण भुजा कोण प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। हाँ जी, किसी का डाउट है क्या? किसी बच्चे का कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, किसी का डाउट है क्या? क्वेश्चन अलग हो गया है कि किसी का डाउट है क्या ये बताना है आपको, कमेंट में जल्दी से बताइए, क्योंकि अगर नहीं है तो हम फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर आपका डाउट है तो मैं फिर से समझा देता हूं। सर्वांगसमता का क्वेश्चन ना आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान, दिखने में कठिन कॉन्सेप्ट लगता है लेकिन ये बहुत ही आसान सा वो है कॉन्सेप्ट, अगर आपको एक बार ये दिमाग में रह गया। हाँ जी, शिवानी के नाम से भी बताया, आपको डाउट है कि ये आसान कॉन्सेप्ट है? यस किस लिए बोला है आपने? यस किस लिए बोला है आपने? डाउट है क्या या फिर ये आसान कॉन्सेप्ट है? अच्छा डाउट नहीं है, ठीक है बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई डाउट नहीं है ना तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हो, जल्दी से इसका आंसर, सभी को आंसर पोल सेक्शन में देना है, ना तो किसी को बोलना है ठीक है, और ना ही किसी को कमेंट में अपना आंसर करना है, बोलना भी नहीं और कमेंट में भी आंसर नहीं करना। हिमांशु कुमार जी, आपने आई लिखा है, वन लिखा है, पता नहीं।
मुझे समझ में नहीं आया आपका कमेंट। अच्छा मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं तब तक। क्वेश्चन क्या है कि जो दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं, हमें ये बताने हैं कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ये बताना है हमें। अच्छा कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके। हाँ ये तो बहुत ही आसान सवाल है ना, बस आपको चेक करना है। तो ऑप्शन भी दो ही है इसमें, हाँ और ना, बस आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं, यस और नो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, एक दो बच्चे बचे हैं, 10 सेकंड वेट करते हैं हम। 10 सेकंड वेट करेंगे फिर हम उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, केवल 10 सेकंड वेट करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे, एक एक बच्चा अभी बच रहा है शायद, हाँ एक बच्चा बच रहा है। 5 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या था। हमें यह देखना था कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि पहले दो कोण देख लो कि दो कोण कौन कौन से बराबर हैं। ठीक है, तो पहले मैंने देखा ये इधर 75 डिग्री है, तो क्या दूसरे त्रिभुज में 75 डिग्री है कोई? हाँ जी है, ये वाला 75 डिग्री है। ठीक है, अभी पहले त्रिभुज में दूसरा कोण क्या है? 50 डिग्री। क्या दूसरे में कोई 50 डिग्री है? हाँ है 50 डिग्री। ठीक है, मतलब दो कोण तो बराबर हो गए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? एक भुजा बराबर होनी चाहिए जो कि उनके बीच की भुजा है। ठीक है, अब 75 और 50 के बीच की भुजा कौन सी है? BC, जो कि है 3.7 सेंटीमीटर। और इधर भी यदि मैं 75 और 50 के बीच की भुजा देखूं तो उसको RQ है या QR, कोई सी भी मान लो आप। ठीक है, कोई सी भी मान लो, ये भी 3.7 डिग्री है, सॉरी डिग्री नहीं सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि दो तो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए और उनके बीच की जो भुजा है वो भी बराबर हो गई। अगर वो भी बराबर हो गई तो इसका मतलब ये सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, ये समझ में आया कि ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज क्यों होंगे? हाँ काफी बच्चों को डाउट क्या आ सकता है, सर इसमें तो लेफ्ट वाला 75 डिग्री है लेकिन इसमें राइट वाला 75 डिग्री है। ठीक है, हाँ हिमांशु कुमार जी बताइए। हिमांशु सर कुमार के नाम से जो भी बच्चा, आपने हैंड रेज किया था। जैसे हाँ मतलब ये दो कोण है, मतलब कि मतलब ये कोण और भुजा बराबर होनी चाहिए जब भी होंगे ये सर्वांगसम। कोण और भुजा बराबर होने चाहिए, हाँ ये वाली ना, ये कोण, यस सर। हाँ, ये तो तभी होंगे ना। अच्छा पहले दो नियम भी हैं, ठीक है, कहीं हो सकता है आपको तीनों भुजाएं बराबर दे रखी हो तो भी सर्वांगसम होंगे, पहला नियम याद दिला रहा हूं। दूसरा नियम क्या है कि दो भुजा और उनके जो तीसरा कोण है वो बराबर होना चाहिए, दूसरा नियम ये था। अब ये तीसरा नियम पढ़ रहे हैं, तीसरे नियम के हिसाब से दो तो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए, तीसरा नियम ये है। तो तीन नियम से अभी तक सर्वांगसम हो सकते हैं, जिसमें से अगर आप इसमें देखोगे तो दो तो कोण बराबर है 75 75 और ये 50 50 और उनके बीच की भुजा 3.7 ये बराबर है, तो इसका मतलब ये सर्वांगसम होंगे। हाँ जी, अगर मैं प्रतिबंध की बात करूं तो ये हो जाएगा ASA, कोण भुजा कोण प्रतिबंध। ठीक है, हाँ अच्छा आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो अगली ही स्लाइड पर एक और क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें ना गलती होने के चांस काफी हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, इस पे टाइम लग सकता है, इसमें सभी को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है? बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें ना, जल्दबाजी में गलत होगा आपका आंसर, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करनी इसमें। अच्छा सिंपल सा, इसमें सर्वांगसमता तो हमें चेक ही नहीं करनी, क्यों? क्योंकि ये तो हमें दे ही रखा है ना कि त्रिभुज ABC और PRQ तो सर्वांगसम है। अगर ये सर्वांगसम है तो फिर तो हमें पता है कि इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी और कोण भी बराबर होंगे, तो उस हिसाब से आपको बताना है कि जो कोण RPQ, यह ध्यान रखना है, कोण RPQ का मान बताना है, ये ध्यान रखना है आपको। आप ना कोण में कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा कोण पूछा है, वो ध्यान रखना है कि यहां पूछा है कोण RPQ। ठीक है, तब आपको बताना है कि इस कोण की माप क्या होगी। इसमें हम थोड़े से थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा तो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें समय लग सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, तब तक आप इसका आंसर करिए।
अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बच्चा अपना डाउट पूछ लेगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है ना तो प्लीज पूछ लेना, अगर नहीं है तो आप सभी को आंसर करना है। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया, मुझे पता था इसमें अलग अलग आंसर आने वाले हैं, तीन तरह के आंसर आ रहे हैं अभी तक आपके। चलिए देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन क्या है कि जो दो त्रिभुज दिए हुए हैं वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो आपको सर्वांग समता तो चेक ही नहीं करनी, वो तो इसमें दी ही हुई है। अगर वो सर्वांग समता चेक नहीं करनी तो फिर आपको ये बताना है कि सर्वांग सम होते हुए जो कोण आर पी क्यू है उसका मान क्या होगा। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा अब इसमें लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 20 सेकंड ओनली, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ज्यादातर का अच्छा सही आंसर आया है, वैसे ज्यादातर का आंसर सही आया है। 15 सेकंड और बचे हैं, केवल 15 सेकंड और बचे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। 15 सेकंड और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, जल्दी से अपना आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, जल्दी से। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया तो जल्दी से अपना आंसर कीजिए, 5 सेकंड बचे हैं। मैं 5 तक गिनता हूं, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, वैसे ज्यादातर बच्चों का इसमें भी आंसर सही था, लेकिन कुछ बच्चों को ना थोड़ा तो कंफ्यूजन हुआ होगा। कैसे, हमें ये पता है कि त्रिभुज एबीसी और पीआरक्यू ये दोनों सर्वांग सम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एबीसी सर्वांग सम है और पी आर क्यू सर्वांग सम है, ठीक है। अच्छा अगर हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दे रखे हैं तो हमें क्या बताना था, कोण आर पी क्यू। अच्छा अब ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कोण आर पी क्यू कौन सा होगा। मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं, कोण नंबर एक और कोण नंबर दो। यहां कौन से कोण के बारे में पूछा है कमेंट में बताइए जल्दी, यहां कोण नंबर एक के बारे में पूछा है, कोण नंबर दो के बारे में, ये आपको कमेंट में बताना है, बोल के नहीं बताना। अगर आपने ये बता दिया तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा, जल्दी से बताइए ये कौन से कोण के बारे में पूछा है, कोण नंबर एक के बारे में पूछा है या कोण नंबर दो के बारे में। कोण क्या है, आर पी क्यू, आर पी क्यू कोण नंबर एक के बारे में पूछा है कि दो के बारे में। एक या दो ही लिख दो आप, के या वो कोई और कुछ मत लिखो, एक या दो लिख दो बस। कौन नंबर एक के बारे में पूछा है, दो के बारे में। ठीक है, 5 सेकंड और बच्चे, जल्दी से बताइए कौन से कौन के बारे में पूछा है, 5 सेकंड और बच्चे, क्योंकि केवल 7 8 बच्चों ने बताया है, अभी बच्चे बचे हुए हैं, 5 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से बताइए, 5 4 3 2 1। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने बोला कि कौन 1 के बारे में पूछा है, नहीं यहां ना कौन 2 के बारे में पूछा है, वो कैसे वो देख लेते हैं। कौन 2 के बारे में क्यों पूछा है, हमसे क्या पूछा है, आर पी क्यू। अच्छा आर से स्टार्ट करते हैं, आर से पी जाना है, आर पी और क्यू आना है, फिर तो कौन सा कौन बना यहाँ, यहाँ तो यही कौन बना ना, ये वाला, तो ये तो कौन नंबर 2 लिखा था मैंने, तो कौन नंबर 2 के बारे में यहाँ पूछा है। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चों का क्या होगा कि आंसर जो था कौन एक वो सही नहीं था, शायद आप कंफ्यूज हो गए थे। कौन को हम कैसे देखते हैं, आप इसको दोबारा से देखो, हमें आर से स्टार्ट करना है, पी से होते हुए क्यू पे जाना है, ठीक है, आर से स्टार्ट करते हैं। चलिए आर से पी पे जाते हैं, आर से पी पे मैं ऐसे गया, फिर यहां से कहा, यहां से क्यू पे आना, यहां से क्यू पे मैं ऐसे आ गया, तो यही तो कौन बना, ये वाला ही तो है कौन, आया समझ में। अच्छा जिन बच्चों ने ये किया था ना, तो ये इस कौन का नाम या तो होता पी क्यू आर या होता आर पी आर क्यू पी, क्यों, क्योंकि पी से स्टार्ट होते हुए या तो मैं क्यू सॉरी पी से स्टार्ट होके क्यू से होते हुए आर पे जाता, या फिर दूसरा क्या था, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका होता कि मैं आर से तो स्टार्ट करता और क्यू से होता हुआ पी पे जाता, जैसा नाम है उसी हिसाब से आपको जाना है, ठीक है, कंफ्यूज कहीं नहीं होना, बस नाम को देखना है, जैसा नाम है उसके हिसाब से आप चलते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब हमें मतलब इस कोण के बारे में पूछा है,
ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इस कोण के बारे में पूछा है तो अगर आप यहां से भी देखोगे, इनसे भी देखोगे, तो क्या एबीसी बराबर है, सॉरी एबीसी और पीआरक्यू सर्वांगसम है। इसका मतलब क्या है कि जो कोण ए है, जो कोण ए है वो पी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का पहला पहला लेटर बराबर होगा। जैसे मैंने भुजा बताई थी ना, भुजा कैसे बताई थी कि ए बी भुजा बराबर होती है पी आर के और बी सी भुजा बराबर होती है आर क्यू के, ऐसे बताया था। इसी तरह से इनके कोण भी बराबर होते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अभी तक यूज नहीं आया था, लेकिन मैंने बताया था कि कोण भी बराबर होते हैं। कोण कैसे, पहला किधर है, इधर पहला है ए और इधर क्या है, पहला पी, मतलब ए और पी कोण बराबर होंगे। इसी तरह से दूसरा क्या है बी, और इधर से दूसरा क्या है आर, मतलब बी और आर बराबर होंगे। तीसरा कोण क्या है, इधर सी और इधर क्या होगा क्यू, तो मतलब सी और क्यू कोण बराबर होंगे। ये आया समझ में? जल्दी से कमेंट में बताइए कि इनको जब भी सर्वांगसम होते हैं, जब बताया मैंने, अगर सर्वांगसम होते हैं तो कैसे आपस में बराबर होते हैं। ये आया ना? अच्छा, अगर ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सर्वांगसम होते हैं तो बस आपको नाम पे जाना है, इसलिए नाम लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर ये पी आर क्यू के सर्वांगसम है तो हमेशा उसको हम पी आर क्यू ही लिखेंगे, पी क्यू आर कभी नहीं लिखेंगे। इसलिए नाम भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख दिया, तो क्या होगा, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, जबकि असलियत में तो कोण बी कोण आर के बराबर था ना। इसी वजह से नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो कोण पी है वो कोण ए के बराबर है, मतलब मैं इनको रेड कलर से बना रहा हूं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इस कोण का मान निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। जल्दी से बताइए, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों की बात करूं ये मैं, तो एक त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो इसमें से दो तो हमें पता ही है ना, तो मैं यहां ये लिख सकता हूं कि ए प्लस, ये कोण है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। अच्छा, उसमें से ए मुझे नहीं पता तो मैंने ए को ऐसे ऐसे लिख दिया, बी क्या है, बी है 72 डिग्री, तो इसको लिख दिया 72 डिग्री, सी क्या है 54 डिग्री, तो सी को लिख दिया मैंने 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ए प्लस 72 और 54 बता सकता है कोई, जोड़ के कितना होगा, 72 और 54 जोड़ के बताना जल्दी से कितना होगा, कमेंट में लिख के बताइए जल्दी से। 72 और 54 डिग्री को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा जल्दी से? अरे ये तो बस घटा जोड़ना ही है आपको, यहां तो कुछ ज्यादा वो करना ही नहीं है, कॉपी में लिखिए दोनों को जोड़ के बता दीजिए। 72 और 54 को जोड़ना है, जल्दी से बताइए। कोई नहीं बता रहा, किसी का ही आंसर नहीं आया, किसी का आंसर नहीं आएगा? अच्छा आ गया क्या, सॉरी मैंने कमेंट्स नहीं देखे थे। ठीक है, 126, 126 डिग्री और ये आएगा 180 डिग्री। अब यहां से मैं आसानी से ए निकाल सकता हूं, ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, और इस केस में जब आप घटाओगे तो ये 54 डिग्री आएगा। ठीक है, अच्छा यहां से ए क्या आ गया, ए आ गया 54 डिग्री। ठीक है, इसको मैं इरेज करके यहां लिख सकता हूं कि जो ये ए है वो मिल गया 54 डिग्री। अच्छा, अगर आपको ए मिल गया तो ए और पी तो बराबर थे ना, यहां से हमने देखा था ए और पी तो बराबर हैं, ए और पी बराबर हैं तो मतलब पी भी 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पी भी 54 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अच्छा, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखने को मिली, हो सकता है काफी बच्चों ने ना 54 डिग्री इसलिए लगा दिया होगा कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये 6 है, ये 6 है, तो जो कौन पूछा है वो 54 ही होगा, जबकि नहीं, इस केस में ये वाला 54 था डायरेक्ट जब हमने देखा था, वो तो जब इसकी हमने कैलकुलेशन की, जोड़ गुणा किए, जोड़ भाग और घटा किए, तो ये 54 आ गया, इसलिए 54 बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 54 इसी के बराबर होगा। ठीक है, अगर मान लो ये 52 हो जाता 54 की जगह, तो उस केस में ये 56 होता और इसका आंसर 56 डिग्री होता, पी का आंसर 56 डिग्री होता। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 54 डिग्री है वो ये वाले के इसके बराबर नहीं है, वो कोण क्यू के बराबर है जो सी है, ये वाला 54 आएगा। अब ये 54 कौन सा आया था फिर, वो तो हमने कैलकुलेट करके निकाला था, यहां से 180 में से दोनों को घटाया था तब 54 आया था। ठीक है, आप डायरेक्ट ही बराबर नहीं लिख सकते इसको,
हाँ बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आया है तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 74। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको चार त्रिभुज दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि ASA यानी कि कोण भुजा कोण प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है। प्रतिबंध ध्यान रखना है सभी को, प्रतिबंध सभी को ध्यान रखना है, इससे ये बताना है कि कौन सा युग्म सर्वांगसम है। सभी बच्चे हाँ, इसमें जल्दबाजी, फिर से जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, जल्दबाजी किसी को भी नहीं करनी है। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करनी है, सभी को ये बताना है कि ASA प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है। सभी में क्या देखना है कि दो तो कोण बराबर होने चाहिए और उनके बीच वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। दो तो कोण बराबर होने चाहिए और उनके बीच वाली जो भुजा है वो बराबर होनी चाहिए। दो तो कोण बराबर होने चाहिए और उनके बीच वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, ये तो अब मैंने बताई दिया, अब तो बस आपको चेक करना है, चेक करके बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। लेकिन प्रतिबंध याद रखना है, प्रतिबंध ASA प्रतिबंध ही होगा। ठीक है, हाँ काफी का आंसर आ भी चुका है, इसमें ना मिला जुला आंसर आया है आपका, कोई बात नहीं, अभी सभी बच्चे आंसर कीजिए, फिर हम उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, दस सेकंड वेट करते हैं बस, लास्ट के 10 सेकंड वेट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। केवल 10 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड बचे हैं, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा पहले ना मैं उनको बता देता हूं, जिन बच्चों ने पहला और तीसरा ऑप्शन ए सही बताया है और ऑप्शन बी सही बताया है, ठीक है, पहले हम उनको देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, 1 और 3 सर्वांगसम है, चलिए देख लेते हैं 1 और 3 को। 1 में क्या है, 1 तो कोण दे रखा है 47 डिग्री और 1 दे रखा है 30 डिग्री, जबकि तीसरे में क्या है, तीसरे में है 1 तो कोण है 80 डिग्री और 1 है 60 डिग्री, तो ये सर्वांगसम कैसे हो जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आपने ऑप्शन ए कैसे सही किया था। अगर किसी का कुछ कंफ्यूजन है ना तो वो अनम्यूट करके बता सकता है, अरे यहाँ तो कोण ही अलग है ना, ये 47 और 30 है और ये 80 और 60 है, अगर ये तो कोण ही अलग है तो ये तो ASA से तो नहीं हो सकते बड़ा सर्वांगसम, हमें तो केवल ASA क्राइटेरिया से देखने हैं ना कि कौन से सर्वांगसम होंगे, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ये तो कैसे भी सही नहीं है क्योंकि इसमें तो कोण ही अलग है, जो पहला है उसमें तो है 47 और 30 डिग्री और जो तीसरा त्रिभुज है उसमें है 80 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये तो कैसे भी सही नहीं है। अच्छा इसमें किसी का डाउट है क्या, अनम्यूट करके बता दो आप, अगर किसी का कोई डाउट है तो अनम्यूट करके बता दो। ठीक है, अच्छा नहीं है ना, ठीक है अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा और चौथा। दूसरे में क्या है देखते हैं, दूसरे में 1 तो 35 डिग्री है और दूसरा है 47 डिग्री, जबकि चौथे में भी तो 60 और 80 डिग्री है, तो ये तो आपस में कोण ही बराबर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब दूसरा और चौथा भी सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक है तो मतलब ये भी गलत है। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरे के लिए हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा ये है, इसमें देखते हैं ये 47 है और ये 30 डिग्री है, ठीक है तो यहां से देखते हैं ये कुछ है क्या, कोई सा बराबर हो रहा है, ये 35 है और ये 47 है, तो ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन सी भी सही नहीं है। ऑप्शन सी किसी ने सही किया था क्या, ऑप्शन सी पहला और दूसरा कैसे, 1 तो 35 और 47 है, 1 तो 47 है और इधर 30 है और इधर 35 और 47 है, तो ये भी तो बराबर नहीं है, हालांकि भुजा बराबर है 3.5 और ये 3.5 ये बराबर है, लेकिन कोण ही बराबर नहीं है इनके, तो डी क्या होगा फिर, तो नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ये आया समझ में, इसमें मुझे नहीं पता कि आपको कंफ्यूजन कहाँ आया, इसमें मुझे ये नहीं पता कि आपको कंफ्यूजन कहाँ आया, जल्दी से बताइए ये आपको समझ में आया।
हाँ डी जिसका था उसका सही था, ऑप्शन डी करेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट है। सभी को समझ में आया क्या? सभी बच्चे बताएंगे, केवल अभी 5 बच्चों ने कमेंट में लिख के बताया है कि हाँ समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो अपने डाउट पूछ लीजिए, ऐसा नहीं है, आपको जो भी डाउट आ रहा हो पूछ लो, अगर आप पूछोगे नहीं ना तो डाउट ही रहेगा, वो फिर समझ में नहीं आएगा कभी भी। 5 सेकंड और हैं या 10 सेकंड और हैं, जल्दी से बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। 10 सेकंड और वेट करता हूं, डाउट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक एक करके चेक किया ना हमने, एक एक करके चेक किया तो देखा तीनों ऑप्शन ए बी सी में से तीनों में से कोई सा भी सर्वांगसम नहीं है। कौन से नियम से? ASA नियम से, ASA नियम से तीनों में से कोई सा भी सर्वांगसम नहीं है। अच्छा जल्दी से ना हम क्या करते हैं, तीसरे और चौथे को और चेक कर लेते हैं क्या ये सर्वांगसम है, जल्दी से ये और कर लेते हैं तो देखते हैं। 80, ये 80 मतलब एक कोण बराबर, ये 60, ये 60 मतलब दो कोण बराबर हो गए, ठीक है, तो ये सर्वांगसम हो सकता है अगर इनके बीच की भुजा बराबर हो। अब 80 और 60 के बीच की भुजा इधर कौन सी है, इधर ये वाली है, और इधर कौन सी है चौथे में, इधर ये वाली है। क्या ये दोनों बराबर है? कमेंट में बताना जल्दी से, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? अच्छा एक 7 है, एक 5.5, एक 7 है, एक 5.5 है। यस कैसे आ रहा है आपका, यस कैसे आ रहा है? ये तो 7 है ना, और ये 5.5 है, ये बराबर है? 7 और 5.5 बराबर होता है? टीना के नाम से जो भी बच्चा, आपने ना वाई लिखा है, आपने इससे पहले भी वाई लिखा था, वाई आप क्या बताना चाह रहे हो? टीना दैया, आप अनम्यूट करके बताओगे, अनम्यूट करके बताओगे आप? तीसरा और चौथे के लिए हम चेक कर रहे थे, इसमें दो कोण तो बराबर हो गए थे। हाँ खुशबू बावल के नाम से बच्चा, हाँ जी बोलिए। सर, इसमें ये 7 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर सेम है, लेकिन इसमें 5.5 सेंटीमीटर भी है और 7 सेंटीमीटर भी है। हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन वो बीच वाली भुजा बराबर होनी चाहिए ना, वो मैं समझ गया कि एक 5.5 और ये 7 है, इसमें भी 5.5 और 7 है, ठीक है, लेकिन बीच वाली भुजा बराबर नहीं है। अब इसमें अगर देखोगे तो 80 और 60 के बीच वाली भुजा ये है ना, 80 और 60 के बीच वाली भुजा ये है, और इधर 80 और 60 के बीच वाली भुजा कौन सी है, वो ये है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये दोनों बराबर थोड़ी ना है। और इसमें हमें यह बताना था कि ए एस ए से कौन सा बराबर है या कौन से सर्वांगसम है, तो वो तो ऑप्शन डी सही होगा। अभी आया समझ में खुश? अच्छा आ गया ना, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, कि इनमें से कोई सा भी त्रिभुज ए ऐसे प्रतिबंध से सर्वांगसम नहीं है, और किसी से हो सकता है वो हमने अभी चेक नहीं किया, लेकिन ए ऐसे क्राइटेरिया से तो ये सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम सर्वांगसमता का लास्ट नियम पढ़ते हैं, आर एच एस नियम या आर एच एस प्रतिबंध। अभी तक हमने, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, एक तो पढ़ा है एस एस एस, एक पढ़ा है एस ए एस, और तीसरा पढ़ा है ए एस ए, ठीक है, ये तीन नियम पढ़े हैं, चौथा नियम होता है आर एच एस प्रतिबंध। आर का मतलब क्या है? आर एच एस को, इसको हम वैसे, हाँ इसको किसी को पता है क्या? इसका मतलब है राइट एंगल, इसका मतलब है हाइपोटेनियस, और एस का मतलब होता है साइड। इसको हम बेसिकली समकोण त्रिभुज से समझते हैं, समकोण त्रिभुज का ही इसको, हाँ जी बिल्कुल। आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, और एस का मतलब साइड, ठीक है। अब यहाँ राइट एंगल और हाइपोटेनियस तो समकोण त्रिभुज में ही होता है, राइट एंगल में ही होता है, तो ये उसी पर ही एप्लीकेबल होता है, ये हम केवल तब चेक करेंगे जब दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हों, तब हम ये वाली सर्वांगसमता चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके मतलब क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक तो कर्ण, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कर्ण और एक कर्ण के अलावा कोई भी एक भुजा, चाहे वो लंब हो या आधार हो, यदि उनमें एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा, मतलब पहले में यदि लंब ले रहे हैं तो दूसरे में भी लंब के बराबर होनी चाहिए, पहले में आधार ले रहे हैं तो दूसरे भी वो आधार के बराबर होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। कौन से प्रतिबंध से? आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड प्रतिबंध से वो सर्वांगसम होते हैं, ठीक
ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, राइट एंगल को समकोण, हाइपोटेनस को कर्ण और साइड को भुजा। मतलब समकोण बराबर होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो एक तो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज एबीसी और दूसरा है पी क्यू आर, ये दोनों हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगे। तो इसके लिए हमें क्या, पहले तो एक तो समकोण होना चाहिए, तो भाई समकोण तो जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण तो होगा ही। ठीक है, अब इसका जो कर्ण है वो ये है और इसका कर्ण है वो ये है, दोनों का क्या कर्ण बराबर है? बिल्कुल है, दोनों का ए है। और कोई एक तीसरी भुजा वो भी बराबर है क्या? बिल्कुल है, ये बी है ये भी बी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, कौन कौन से, ए बी सी और पी क्यू आर। ये आया समझ में कि ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होंगे? ये नया नियम है। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल होता है? जब समकोण त्रिभुज दिए गए हों। क्यों क्यों एप्लीकेबल होता है समकोण त्रिभुज? क्योंकि एक कोण समकोण होना चाहिए ना, और त्रिभुज में जब एक कोण समकोण होता है तो उसे हम फिर समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका, हाँ रिपीट कर देता हूं, सर्वांगसमता का लास्ट नियम था समकोण कर्ण भुजा यानी कि आरएचएस प्रतिबंध। इसमें क्या है कि यदि किन्हीं भी दो समकोण त्रिभुज के एक तो कर्ण बराबर हो, देखो समकोण त्रिभुज है तो समकोण तो रहेगा ही, तो समकोण तो बराबर होगा ही, वो चेक नहीं करना। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज है तो दोनों में एक कोण तो समकोण रहेगा, तो फिर और क्या क्या बराबर होना चाहिए? एक तो कर्ण बराबर होना चाहिए, कर्ण यानी कि हाइपोटेनिस बराबर होना चाहिए, और दूसरा दूसरा या तो आधार बराबर हो दोनों का या फिर लंब बराबर हो दोनों का। ठीक है, अगर ऐसे बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। जैसे यहां देखा तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है क्योंकि इधर ये वाला समकोण है इधर ये वाला समकोण है, तो समकोण तो है ये। अब इनका कर्ण बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ए ए है। और यदि मैं इनका लंब देखूं तो इसका बी है और इसका भी बी है, मतलब दोनों के लंब भी बराबर हैं, इसलिए ये सर्वांगसम होंगे। हाँ, खुशबू के नाम से जो बच्चा, बताइए आपको समझ में आया कि आरएचएस से हमें कैसे देखना है सर्वांगसमता को? आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए इसको भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अभी तो आपको एबीसी दे रखा था, अब यहां आपको नंबर दे दिए हैं, संख्या दे दी है, तो देखते हैं कि ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला समकोण है, इसमें ये वाला कोण समकोण है, तो एक तो ये समकोण हो गया, मतलब समकोण तो है। ठीक है, एक तो समकोण हो गया। एक, अब समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, क्या कर्ण बराबर है? बिल्कुल है, इसमें 13 सेंटीमीटर है, इसमें 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण भी बराबर हो गया। और यदि इनका लंब देखें तो इसमें 5 सेंटीमीटर, इसमें भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब एक तो समकोण बराबर हो गया, एक कर्ण बराबर हो गया, और तीसरा एक इनका लंब भी बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आरएचएस प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये आया समझ में? जल्दी से बता दीजिए। आज के हम ये चैप्टर ना आज ही खत्म करते हैं क्योंकि ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, इसके बाद दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? जल्दी से बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे समझ में आया या नहीं। 5 बच्चों ने बताया अभी तक, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी के समझ में आ गया ना, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आंसर पोल में जाके देना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है कि आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं और इनमें से ये बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। क्या बताना है आपको कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? जल्दी से बताइए क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। जब भी समकोण त्रिभुज दे तो समकोण त्रिभुज के लिए सर्वांगसमता ढूंढना बहुत ही आसान है। ठीक है, सर्वांगसमता चेक करना बहुत ही आसान है समकोण त्रिभुज के केस में, क्योंकि इसमें एक तो समकोण होता ही है, कर्ण बराबर होना चाहिए और एक और भुजा बराबर होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो वो समकोण हो जाएगा। सबसे आसान किसमें है? समकोण त्रिभुज में। सबसे आसान है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, 10 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर कर दिया है और ज्यादातर का आंसर वैसे सही भी है, ज्यादातर का आंसर सही भी है। 5 सेकंड और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 5 सेकंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त।
ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? ये तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला समकोण है भी, इधर ये वाला समकोण है। चलिए समकोण बराबर हो गए। अब समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इधर ये वाली कर्ण है, तो एक तो ये बराबर है, ये बराबर है, मतलब कर्ण भी बराबर है। ठीक है, एक ये आधार 8 सेंटीमीटर है, इधर आधार 8 सेंटीमीटर है, तो इनका एक साइड भी बराबर हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर एच एस नियम से या आर एच एस प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कह सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए, कह सकते हैं क्या? हाँ, वैसे सभी का आंसर यस ही था ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 जो आंसर है वो इसका ए सही है। ठीक है, चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन 76, क्वेश्चन नंबर 76 लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें तो हमें दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी और क्यू आर पी, याद रखने आपको क्यू आर पी ये सर्वांग सम है, तो आपको क्यू आर की लंबाई बतानी है कि क्यू आर की लंबाई कितनी होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें जिसने जल्दबाजी की ना उसका गलत हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, जिसने भी जल्दबाजी की उसका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ना बहुत ही ध्यान से, मैंने बताया था अगर सर्वांग सम होते हैं तो कैसे, जो नाम के हिसाब से बराबर होते हैं, ए बी क्यू आर के बराबर होगा, बी सी आर पी के बराबर होगा, इस तरह से बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इधर ए बी सी क्यू आर पी के सर्वांग सम है, ये इंपॉर्टेंट है इसके नाम में। अगर आपको नाम से समझ में आ गया तो ये बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा, आसान है, देखते हैं। चलिए, टीना के नाम से जो बच्चा, उन्होंने बोला है कि बहुत ही आसान है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको आसान लग रहा है मतलब आपको समझ में आ रहा है, आंसर कीजिए। अभी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। हमें क्यू आर की लंबाई बतानी थी, हमें क्यू आर की लंबाई बतानी थी। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड वेट करते हैं, बस 20 सेकंड वेट करेंगे, केवल 20 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, केवल 20 सेकंड वेट करेंगे, जब तक 15 सेकंड बचे हैं सभी के पास, सभी के पास 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए अगर कोई बच्चा बचा हुआ है तो। 15 सेकंड बचे हैं, ओनली 15 सेकंड, 10 सेकंड बचे हैं अभी, अभी केवल 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड और बचे हैं, 5 सेकंड बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, मैं गिन गिन रहा हूं। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अच्छा इसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, ये बता दीजिए केवल एक बच्चे ने आंसर दिया है बी, किसने दिया है वो कमेंट में बताएगा, केवल एक बच्चे ने आंसर दिया है बी, किसने दिया वो कमेंट में अपना नाम लिख के बताएगा। अच्छा, वो मुझे भी नहीं पता सही है या गलत है, लेकिन वो बताएगा कि किसने दिया है, मनीषा। हाँ, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज क्या पता है, केवल एक बच्चे ने सही आंसर किया है जो कि है ऑप्शन बी, मनीषा आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, ज्यादातर बच्चों ने डी किया है, तो डी गलत क्यों है और बी सही क्यों है वो हम देखते हैं। ठीक है, सभी ध्यान से समझेंगे। अच्छा, अभी एक बार के लिए ये भूल जाओ कि ये क्या है, अभी हम केवल समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। अगर मान लो इसका आधार 4 है और कर्ण 5 है, इसका लंब बता सकते हो क्या, जल्दी से बताइए, लंब बता सकते हो क्या आप, लंब कितना होगा कमेंट में लिख के बताइए, इसका लंब आप बता सकते हो क्या। अभी मैं सर्वांग समता की नहीं पूछ रहा, अभी तो केवल समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है, सर्वांग समता को भूल जाइए, नहीं लंब, लंबाई पता नहीं है ना इसकी, ये तो आप कौन बता रहे हो, इसकी लंबाई कितनी होगी, ए बी की लंब मतलब ए बी की लंबाई कितनी होगी, ये बता सकते हो क्या, निकाल लीजिए, इसमें समय लग सकता है, ए बी की लंबाई में आपको निकालने में समय लग सकता है। कैसे, हम एक सूत्र पढ़ते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी,
ये हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। जल्दी से बताइए ए बी की लंबाई कोई बता सकता है क्या? मैं थोड़ी देर 30 सेकंड वेट करता हूँ, 30 नहीं 20 सेकंड वेट करता हूं, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका लंब कितना होगा। पहले मैं देखता हूं कि आप में से कितने बच्चों को याद है कि पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या पढ़ी थी, उसका सूत्र भी लिख दिया है। अब तो बस आपको निकाल के बतानी है इस सूत्र से कि क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जल्दी से बताइए, एक भी बच्चे ने नहीं बताया अभी तक, एक भी बच्चे ने नहीं बताया है। 25, अच्छा ठीक है, देखते हैं कि कितनी होगी। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। 5 सेकंड और बचे हैं आपके ना, 20 सेकंड में से 5 सेकंड मैं पांच गिनता हूं। 5 4 3 2 1। ठीक है बहुत बढ़िया। अभी मैं एक बार बता देता हूं कि क्या होगा, ये सूत्र सबने पढ़ा है ना, ठीक है एक बार देख लेते हैं। ये सूत्र सबने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा यहाँ कर्ण 5 सेंटीमीटर, ये तो मुझे पता है, मतलब 5 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब ही तो हमें निकालना है, तो इसको तो मैं एल ही लिख देता हूँ, एल का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार 4 4 का स्क्वायर। ठीक है अभी मैं जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे। 25, बहुत बढ़िया 25 हो गया, बराबर लंब का स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 4 का स्क्वायर बताना है अभी सभी को, 4 का स्क्वायर बताना है सभी को, 4 का स्क्वायर होता है 16। बहुत बढ़िया, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो 25 में से जब 16 घटाते हैं तो ये बचता है 9। ठीक है हाँ बहुत बढ़िया, अगर ये 9 हो गया तो एल का मान बता दीजिए, एल कितना होगा 9 को, वैसे मैं 3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, अगर एल स्क्वायर 3 स्क्वायर के बराबर है तो एल कितना होगा, जल्दी से बताइए एल कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर एल स्क्वायर 3 स्क्वायर के बराबर है तो एल कितना होगा, 3 के बराबर, मतलब ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है यहां से लंब निकल के आया 3 सेंटीमीटर, अब लंब क्या है, लंब तो ये वाली भुजा है ना, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये निकल गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है अच्छा अगर मुझे ये पता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को इरेज कर देता हूँ, पूरे को मैं इरेज कर देता हूं और मुझे ये निकल के आया था 3 सेंटीमीटर। ठीक है अब मैंने ये क्यों निकाला ना, आपको समझ में आएगा, इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था क्यू आर की लंबाई क्या होगी, और अगर आप यहां से देखोगे तो क्यू आर पहले दो अक्षर हैं और इसके पहले दो अक्षर क्या होंगे, ए बी, यानी कि ए बी बराबर होगा क्यू आर के, ऐसा होगा क्या, यस और नो ये बताओ, क्योंकि ये सर्वांग सम है, सर्वांग समता में मैंने बताया था ना नाम इंपॉर्टेंट है, ए बी बराबर क्यू आर के होगा कि नहीं, ए बी बराबर क्यू आर होगा क्या, केवल 4 बच्चों ने बताया, सभी बताएंगे। अच्छा 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं आज की क्लास में, कोई बात नहीं, आज ये लास्ट टॉपिक था। हिमांशु कुमार जी, अच्छा ये हिमांशु कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, ये बराबर होगा, अच्छा आपने नो लिखा है ना इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बराबर होगा क्यों, क्योंकि जब ये सर्वांगसम होते हैं ना, इसका मतलब ए बी स्टार्टिंग के दो अक्षर और इधर से स्टार्टिंग के दो अक्षर, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह अगर मैं इसको मिटा दूं, इसी तरह अगले दो अक्षर कौन से, बी सी और आर पी, ये बराबर होते हैं, ये तो मैं बता चुका हूं ना सर्वांग समता में, तो ए बी बराबर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है अच्छा अगर ऐसा है तो मुझसे क्या पूछा है, क्यू आर पूछा है, और क्यू आर किसके बराबर है, ए बी के, और ए बी यहां से कितना निकला है, वो निकला है 3 सेंटीमीटर, मतलब क्यू आर भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ये आया क्या समझ में, ये बताइए क्यू आर 3 सेंटीमीटर होगा, क्यों होगा वो सभी के समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो बस क्लास यहीं तक थी। अगर आपको ये अच्छा जिसको समझ में नहीं आया हो ना पूछ लेना, हो सकता है इसमें ना काफी बच्चों का डाउट होगा। बाय बाय, अच्छा होमवर्क नहीं देखना क्या, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, आज की सिंस लास्ट क्लास है तो होमवर्क, और बता देता हूं मैं, सभी के पास वर्कशीट है क्या, वर्कशीट है सभी के पास, नहीं है, ठीक है आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट हाँ लेना पड़ेगा। इस स्कूल में नहीं हाँ मिला है दीपक सर। कोई बात नहीं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, 1 मिनट में ना
अपने मेरे पास जो वर्कशीट है वो खोल लेता हूं मैं एक बार। हाँ ठीक है, अब बस आपको 1 मिनट और लगेगा, आपकी क्लास को मैं 6:40 से पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा। अभी होमवर्क के लिए रुक रहे हैं केवल। ये दिख रहा है सभी को, मेरी स्क्रीन दिख रही है, यहां दिख रहा होगा प्रश्नावली 15.1, प्रश्नावली 15.1 दिख रही होगी सभी को, सभी बच्चों को प्रश्नावली 15.1 दिख रही है। अच्छा नेक्स्ट क्लास तो मंगलवार को ही होगी, नेक्स्ट क्लास में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन वहां नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मंडे को होती है क्या आपकी क्लास? अच्छा हाँ सॉरी, आपकी तो मंडे को होती है ना। हाँ, मंडे को होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, आपकी नहीं होती ट्यूजडे को। बिल्कुल बिल्कुल मंडे को होगी। होमवर्क देख लेना सभी बच्चे, होमवर्क देखेंगे। प्रश्नावली 15.1 सभी को दिख रही है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें ए ऐसे सर्वांग समता से ही निकालना है और ए ऐसे हमने पढ़ी है। एक तो ये हो गया। अच्छा सभी बच्चे स्क्रीन शॉट लेंगे, मैं 5 तक गिनता हूं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अभी अगला आता है प्रश्नावली 15.2। ठीक है, प्रश्नावली 15.2 में केवल ये वाला करना है आपको, केवल ये वाला पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, केवल 15.2 में केवल पहला वाला। 5 तक फिर से गिनता हूं मैं, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये 15.2 हो गई। अब आते हैं हम प्रश्नावली 16.1 पे। ठीक है, प्रश्नावली 16, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट था? आरएचएस पढ़ा दिया था ना, ये तो आज ही पढ़ा है। तो 16.1, प्रश्नावली 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये हल करने हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, गिन रहा हूं मैं, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट प्रश्नावली 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, केवल प्रश्नावली 16.2 का केवल क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फिर से गिन रहा हूं मैं, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, बस इतना ही होमवर्क था आपका। आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगली क्लास जो कि आपको सोमवार को होगी, उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ना आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, कल कल एक टेस्ट मिल जाएगा, उस टेस्ट को आपको सॉल्व करना है। किसी भी बच्चे को ना टेस्ट में सवाल गलत नहीं करने, क्योंकि ये क्लास में हमने बहुत ही आराम आराम से पढ़ा है, हमने इस क्लास में बहुत ही आराम आराम से पढ़ा है। अगर किसी का डाउट है तो इसी क्लास में रुक के पूछ लेना, अगर नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी, आप जा सकते हैं। ओके।